इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। समय कब निश्चय हुआ बारात की निकासी का? धेनु धोरी बेला सकल सुमंगल विप्रन कहु विदेह सन जान सगुन अनुकूल। ब्राह्मण देवताओं ने यह मुहूर्त विदेहराज को सुनाया। लगन पत्र का उधर पधारी मुहूर्त ज्ञात होते ही इधर रचना बना दी गई कि अब बारात द्वाराचार के लिए प्रस्थान करेगी। देखिए, सब कुछ का उत्साह तब और बढ़ जाता है जब हम संस्कार पूर्वक कोई उत्सव संपन्न करते हैं। उत्सव को कभी भी भगत को विकार पूर्ण नहीं करना चाहिए। उत्सव सर्वकाल संस्कार पूर्वक करना चाहिए। श्यामकरण अश्व पर हमारे लला सरकार दूल्हा बनकर आरूढ़ हुए। विद्वान आचार्यों ने स्वस्ति वाचन किया। गुरुदेव भगवान का दिव्य रथ चला। अब स्वागत की पूरी तैयारी। मिथिला पूरी उठ खड़ी हुई बारात का अभिनंदन स्वागत वंदन करने के लिए। देवता लोग जिसकी जैसी व्यवस्था थी बारात में सम्मिलित होने चल पड़े। देवांगनाएं मंडप के संग में जो मां की श्रृंगार की रचना थी रनिवास में वहां प्रवेश कर गईं और सब माताएं मेरी अम्बा का श्रृंगार कर रही। सहज श्रृंगार महारानी जी का हो रहा है। भगवान ब्रह्मा जब अपनी दृष्टि दौड़ाए चतुर्दिक तो उनको अपनी कहीं करनी कहीं रचना दिखाई पड़ नहीं रही है। भगवान भोलेनाथ से पूछ बैठे, बाबा मेरी करनी तो कहीं दिखी नहीं रही है। भोले बाबा ने कहा, पितामह माता पिता के पावन पर्ण उत्सव में बच्चों की फोटो नहीं दिखती है। ये जगत के माता पिता का महोत्सव है। हम आप तो बस उपस्थित रहें, प्रणाम करिए। सरकार जब दूल्हा बने हो, देखिए ब्रह्मा जी के चार गर्दन चार मुख आठ नयन, कार्तिकेय स्वामी के छह तो बारह नेत्र, परंतु भूत भावम भगवान भोलेनाथ के विकट बेश मुख पंच पुरहरी पांच तियाई पंद्रह नेत्र। देवता लोग देखकर आनंदित हो रहे हैं। पितामह ब्रह्मा को संकोच हो रहा है, कारण कार्तिकेय भगवान दाहिने और भोले बाबा साथे में, तो ब्रह्मा जी को लग रहा है बताइए ये पिताजी तो थे ही, लड़का हमसे भी बीस, हम आठे नेत्र से सरकार का दूल्हा स्वरूप देख रहे, ये बारह से और बाबूजी पंद्रह से, ये आनंद है। हम जिस भूमिका में उपस्थित रहेंगे भगवान के पावन उत्सव हमको उसी प्रकार आनंद पढ़ाते हैं, आनंद प्रदान करते हैं, जितना हम ले सकते हैं। सरकार चले, गुरुदेव भगवान की ये पंक्तियां हैं। सखियां भ्राता श्री कल कह रहे थे कि अयोध्या जी में तो कुछ भया नहीं, राम जी का सब पचमंगरा और हल्दी मटकोर जो भी भया सब मिथिले में भया, तो आते जाते तो विलम्ब होता, विलेट होता, इसलिए सखियों के द्वारा ही सारा संपन्न हुआ है। ये तो उत्सव का लाड़ है। देखिए सखियां मेरे सरकार का परिछन करती हैं, हे राघव धीरे चलो इस ससुराल कलियां, राघव धीरे चलो इस ससुराल कलियां।
रबी ही निरखी जो कमल
ससुराल गलिया रघो चलो। क्या आनंद है अर्घ पूर्वक दुल्हा सरकार का मंडप प्रवेश हुआ, गुरुदेव भगवान को श्रेष्ठ आसन पर पधराया गया। एक बार पुनः आपसे निवेदन करूं, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ भाव रखने का अभ्यास हो। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ वक्ता न बना जाए, सम्मान हो। श्रेष्ठ के प्रति नेत्र में सम्मान हो और अन्य के प्रति हृदय में ममता हो, यही मानवीय संस्कृति है। श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ है। गुरुदेव भगवान का श्रेष्ठ आसन लगाया गया है, पहले से विराजमान है, उनका पूजन किया मिथिलेश। सभी बरातियों को चक्रवर्ती महाराज जैसा ही आदर दे रहे हैं मिथिलापति। जो जिस योग्य था उसकी उस प्रकार व्यवस्था बनाई, और व्यवस्था योग्यतम ही रखी जाए, योग्य व्यक्ति की योग्यतम व्यवस्था। यहां मैं प्रथम दिन से ही सप्रार्थना निवेदन कर रहा हूं, अपेक्षा से अधिक संख्या उत्सव दर्शन करने, जैसे देवता आ गए मिथिला में, वैसे हम लोग भी आ गए हैं। उत्सव उत्साह इतना है कि सोचा था 400 लोग आएंगे, हम लोग लगभग 900 लोग आ गए। तो आप सबको गुरुदेव भगवान की साक्षी है, सरकार भी विराजमान है। जो रहने की, खाने की, उठने की, बैठने की, आने की, जाने की, चूंकि पूरा आश्रम इस उत्सव का यजमान है, हम सब लोग यथायोग्य जितना बन पड़ा सेवा में उपस्थित हो पाए। परंतु जो असुविधा हुई हो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। जो जिसको कष्ट हुआ हो वो समझ लेना कि जब भीड़ बढ़ती है तो बारात होती ही है। हाँ, कभी कभी एकादशी भी पड़ जाती है बारात के दिन, तो हम लोग तो जाते हैं, देखते रह जाते हैं। बढ़िया बढ़िया पकवान रखा रहता है, लोग लाते हैं। तो एकादशी को कई बार बारात में चले जाओ तो लोग गाजर का हलवा ले आते हैं। महाराज, अब मुझे बड़ा प्रिय है, लाला को भी प्रिय है, तो भैया एकादशी है, खा भी नहीं सकते। रसगुल्ला तो खा ही नहीं सकते एकादशी में, उसमें क्या क्या पड़ता है। तो चाह कर भी नहीं ले पाते हैं। यहाँ जैसी व्यवस्था सरकार की रही उसमें निश्चित रूप से, इसलिए मैं टेलीफोन नहीं छू रहा हूँ, कोई आएगा तो कहाँ रखा जाएगा। हाँ, अगल बगल जितने कक्ष हैं सब लिए गए, फिर भी कम पड़ा। आगे भगवान युगल सरकार कृपा करें कि आश्रम में ऐसी उनकी कृपा से व्यवस्था बने कि आगे का उत्सव जब आए तो वहाँ कोई असुविधा हमको आपको न हो। एक बड़ा सुंदर सुयोग बना है, सुयोग बना है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।